हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। लास्ट वीडियो हमने कालीबंगा सभ्यता को डिटेल में पढ़ लिया था। आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छे से देखा भी है मुझे पता है, और आप लोगों ने उसे याद भी कर लिया होगा ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि अगर आपने नहीं किया है तो इनको साथ में याद करते जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों के पास इकट्ठी हो जाएंगी, फिर आप लोग जो है वो परेशान हो जाओगे। तो चलिए आज हम करेंगे आहर सभ्यता। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, कालीबंगा सभ्यता जो है वह घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई थी, और इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, अम्लानंद घोष, और उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर थे। यहाँ हमें कच्ची पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले थे, लकड़ी और ईंटों की नालियां मिली थी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अग्निवेदिका, अग्निकुंड ये भी मिला था, इसका मतलब वहां धार्मिक कार्य भी हुए होंगे। दुर्ग के अवशेष हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले, गाय के मुख वाला प्याला, तांबे का बैल, कांस्य दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौना, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिला, कालीबंगा सभ्यता से मिला। तो कालीबंगा सभ्यता जो कि 6000 साल पुरानी मानी गई, ठीक है, वहीं पर आहर सभ्यता जो है वह 4000 साल पुरानी मानी जाती है। और एक और अंतर है इन दोनों सभ्यताओं में कि कालीबंगा सभ्यता जो है वह एक नगरीय सभ्यता है, जबकि आहर सभ्यता जो है वह एक ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। तो चलिए अब हम नोट्स के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आहर स्थल, आहर संस्कृति, या इसे हम बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो ये जो आहर सभ्यता है इसके कई उपनाम है। यह उदयपुर के पूर्व में स्थित है। अब बात आती है कि नदी की, क्योंकि नदी जो है वो महत्वपूर्ण रहती है, नदी नहीं होगी तो वो सभ्यता वहां विकसित कैसे होगी। तो यह आयर या बेडच नदी के किनारे विकसित हुई, और ये बेडच नदी जो है यह बनास की सहायक नदी है, इस वजह से इस सभ्यता को बनास संस्कृति कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आहर सभ्यता जो है इसे बनास संस्कृति क्यों कहते हैं, तो आप बताइएगा कि ये बेडच नदी के किनारे विकसित हुई, और बेडच जो कि बनास की सहायक नदी है, इस वजह से इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। स्थानीय लोग जो है इसे क्या कहते हैं, धूलकोट कहते हैं। और जब 10वीं और 11वीं शताब्दी की बात आए तब वहां पर इसे आघाटपुर भी कहा गया, आघाटपुर के नाम से भी जाना गया। तो इसके जो कई उपनाम है इनको आप याद रखिएगा, आहट संस्कृति, बनास संस्कृति, धूलकोट और आघाटपुर। और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन कि तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र यहाँ होता था, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी भी कहा गया। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ तांबे के औजार जो है वो बनते होंगे, यहाँ पर फैक्ट्री रही होगी, इसीलिए इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। गोरे कोठे की सभ्यता कही जाती है, ग्रामीण सभ्यता कही जाती है। तो यहाँ पर गाँव में जो भी सामान होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा मिट्टी के मकान होते हैं, ये सब कुछ हमें यहाँ मिला, जिससे देखने पर पता लगता है कि ये सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। इसका जो समय है वह 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। आहर सभ्यता के जो खोजकर्ता हैं वह अक्षय कीर्ति व्यास हैं, जिन्होंने 1953 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और वहीं खुदाई का कार्य करने वाले आरसी अग्रवाल, इनका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल, इन्होंने 1954 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य किया था। और उसके बाद 1961 और 62 में बी.एन. मिश्र और एच.डी. संकलिया, इन्होंने दोबारा से इसका उत्खनन कार्य किया था। तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। आहर संस्कृति के जो है 4 जिले हैं, ठीक है, जहां पर ये संस्कृति जो विकसित हुई, जहां हमें तांबे के अवशेष मिले, उसी से पता लगता है कि आहर संस्कृति जो है वो इतने एरिया में फैली हुई थी। राजसमंद जिला, भीलवाड़ा जिला, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, यानी कि जो जिसे हम मेवाड़ कहते हैं, तो वह जो एरिया है वहां हमें तांबे के अवशेष जो है बहुतायत मिले, तो उसे आहर संस्कृति कहा गया। उस पूरे एरिया को क्या कहा गया, आहर संस्कृति, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, जिससे पता लगेगा कि ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता क्यों कही जाती है। यहाँ पर हमें लाल काले मृदभांड मिले हैं, या कह सकते हैं कि लाल भूरे मृदभांड मिले हैं। वहीं हमने कालीबंगा में पढ़ा था कि वहां पर हमें लाल मृदभांड मिले थे, लेकिन लाल काले कहाँ मिलते हैं, आहर सभ्यता में।
चाक पर मृद भांड, चाक पर जो है वो मृद भांड यानी मिट्टी के जो बर्तन है चाक पर बनाए जाते थे, और जिसमें एक विधि जो अपनाई जाती थी उल्टी तपाई विधि, यानी मृद भांड जो है उसको उल्टा करके जो है और फिर आग से पकाया जाता था, तो इसे उल्टी तपाई विधि कहते हैं। यहाँ हमें कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले। जब ग्रामीण सभ्यता है, गांव के लोग हैं, तो बिल्कुल जायज है ये बात कि खेती करते होंगे, पशुओं को पालते होंगे, और गेहूं, चना, जौ, सरसों, राई, बाजरा और चावल, ये फसलें जो है उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसमें चावल जो है वह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ अंडरलाइन मैंने कर दी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये चीज पूछी गई है कि यहाँ पर जो है उच्च कोटि के चावल जो है वो उत्पादित होते थे। ठीक है, कपास से ये लोग परिचित थे, कपास के साक्ष्य मिले हैं। सर्वाधिक प्रिय पशु कुत्ता, ये लोग जानवरों को पालते थे, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय जो पशु था वो इनका कुत्ता था। भैंस, भेड़, कुत्ता, बकरी, ये सब ये पालते थे। मकान जो थे वो कच्ची ईंटों के थे, मकान तो थे कैसे कच्ची ईंटों के, लेकिन इनकी नींव जो थी वो कैसी थी पत्थर की बनी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो जो चीज मैं आपको बोलती हूँ कि कई बार पूछी जा चुकी है मतलब आपके एग्जाम में भी आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। तो मकान जो थे वो कच्ची ईंटों के थे, नींव पत्थर की थी, छत जो होती थी वो कैसी होती थी बांस की बनी होती थी। यहाँ पर हमें मकानों में 4 से 6 बड़े चूल्हे मिले हैं, इससे ये पता लगता है कि संयुक्त परिवार होगा, सामूहिक भोजन जो है यहाँ पर बनता होगा। यूनानी मुद्रा मिली है जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ था, ठीक है, अपोलो यानी सूर्य के देवता का चित्र बना हुआ था। बैल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, बैल पालते थे ये लोग, उसकी मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे कहा गया बनासियन बुल। कपड़ों पर छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, अर्थात तो ये लोग रंगाई जो है इसके काम से भी परिचित थे। सिर खुजलाने का यंत्र मिला है, मटके मिले हैं, कलश मिले हैं, चूड़ियां मिली हैं, मिट्टी के बने हुए 27 आभूषण कान के मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में भी हमें आभूषण मिलते हैं, लेकिन वहां पर हमें आभूषण मिट्टी के नहीं मिले। मिट्टी के आभूषण तो केवल हमें कहाँ मिले हैं, आहार सभ्यता में मिले हैं। पूजा की थाली, धूप दानिया, यानी ये लोग जो है धार्मिक कार्यों में रुचि लेते होंगे। मिट्टी के 6 दीपक मिले हैं, मिट्टी के ही खिलौने मिले हैं, तो खेलने के लिए बच्चों के लिए खिलौने जो है वह भी मिट्टी के ही मिले हैं। यह ताम्र नगरी कहलाती है क्योंकि यहाँ पर तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र था, तो तांबा बहुतायत था, तो यहाँ पर कुल्हाड़ी जो है वह तांबे की, सुरमा तांबे का पात्र, तांबे की छुरी, तांबे की 6 मुद्राएं, 3 मोहरें, ये सभी कुछ हमें तांबे की मिली हैं आहड़ सभ्यता में। 26 किस्म के जो मणिये हैं वह भी हमें कहाँ से मिले हैं, आहड़ सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक लाइन और याद रखनी है कि आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। वो ये सोचते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन रहता है, इसीलिए उनकी जो प्रिय वस्तुएं होती थी उनके साथ दफना देते थे। तो ये टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट होता है, छोटा ही टॉपिक है ये, लेकिन आप यहाँ पर जितने भी फैक्ट हैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से रट लेने हैं, बहुत ही अच्छे से रट लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में सभ्यताओं में से क्वेश्चन जो है हर बार आया है और इस बार भी आएगा। अब इस सभ्यता का जो विनाश है वो क्यों हुआ, तो देखिए मानते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप से जो है इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। इस सभ्यता के लोग जो हैं, जब विनाश हो गया तो इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े, और ग्लूंड और भगवानपुरा जैसे स्थान जो है इन लोगों ने बसाए भी थे। ठीक है, तो ये चीज तो आप लोगों को याद नहीं रखनी है, बस इतना ही याद रखना है कि विनाश का कारण जो है वो क्या था, प्राकृतिक प्रकोप था। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।